नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब खेती के लिए कर्ज पर ब्याज नहीं देंगे किसान, राजस्थान सरकार देगी ब्याज मुक्त फसल लोन। प्राकृतिक तरीके से गन्ने की खेती करके लाभ कमा रहा किसान हाईटेक गाड़ी में बेचता है तीन तरह की चाय और कुल्फी। 50% सब्सिडी पर किसानों को मिलेंगे कृषि यंत्र। 10,000 से कम कीमत वाले कृषि यंत्रों पर मिलेगा लाभ। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन्हें इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुँच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हम मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अक्सर छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए कभी जमींदारों से तो कभी साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है। इसी समस्या से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने ब्याज मुक्त फसल लोन देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस योजना के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 736 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसान खेती करने के लिए लोन लेते हैं तो उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है तो उन्हें सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में स्वीकृत 176 करोड़ रुपए में से सहायता राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार ने जिस सब्सिडी प्रपोजल को अप्रूव किया है उसके तहत खेत में घर बनाने वाले किसानों को भी अनुदान दिया जाएगा। खास बात यह है कि 1 अप्रैल 2014 से वितरित लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लोन को एक निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को हर साल 5% ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ने का रस और कुल्फी बेचने वाली एक किसान की गाड़ी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी में बैठा किसान न सिर्फ लोगों को ताजे गन्ने का रस और कुल्फी खिला रहा है बल्कि खुद भी लाभ कमाकर बाकी किसानों को खेती के साथ साथ मार्केटिंग की नई तरकीब भी सिखा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं किसान योगेश बालियान की, जो कृषि विज्ञान में स्नातक होने के साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर में काम भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें मार्केटिंग और उपज बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा, मगर इसके बाद धीरे धीरे जब लोगों के अंदर प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी तो उन्हें भी मार्केट मिलने में आसानी हुई। बाद में योगेश ने अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से उपजाए गन्ने से गुड़ तैयार कर लोगों को खिलाना शुरू किया और अब वो एक ट्रॉली पर गन्ने के जूस और गन्ने की कुल्फी का सेटअप तैयार करके जगह जगह बेचकर अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर रही हैं। खास बात ये है कि वो खुद ही 5 एकड़ के खेतों में गन्ने का उत्पादन करते हैं, जिसमें उन्होंने गेहूं और कुछ फल सब्जियों के पेड़ भी लगाए हैं और फिर खुद ही इसकी मार्केटिंग व प्रोसेसिंग करके सीधे उपभोक्ताओं तक इन उत्पादों को पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है ताकि ऐसे किसान जो खेती में इस्तेमाल होने वाले महंगे कृषि यंत्रों की खरीद नहीं कर सकते हैं उन्हें भी आसानी से कृषि मशीनें उपलब्ध हो सके। दरअसल सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसान बाजार से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता कंपनी से कृषि यंत्र खरीद कर उस पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इन कृषि यंत्रों में ऐसे कृषि यंत्र को शामिल किया गया है जिनकी कीमत 10,000 रुपए से कम है। इसके लिए किसानों को पहले से टोकन जनरेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। विभाग के स्टॉल से या बाजार से अधिसूचित कंपनियों से कृषि यंत्र खरीदने पर तत्काल बिल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसी आधार पर किसानों को उनकी 50% अनुदान राशि उनके आधार लिंक बैंक खाते में इसी महीने भेज दी जाएगी। यदि आप यूपी के किसान हैं और कृषि यंत्रीकरण योजना यूपी में कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ हासिल करना चाहते हैं तो आप इसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट upiagriculture.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की शाख को स्थापित करने और ज्यादा पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए 1 मई से 30 मई तक एक अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत लेखपाल भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करेंगे और इसे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सरकार द्वारा यह अभियान खासतौर पर उन किसानों के लिए चलाया जा रहा है जिन्हें पात्र होने के बावजूद भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश व बिहार के कई उत्पादों को जीआई टैग देकर एक अलग पहचान दी गई है। इसी लिस्ट में अब बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मर्चा धान का चूड़ा भी शामिल हो गया है। दरअसल मर्चा धान की आकृति अन्य धान से काफी अलग काली मिर्च की तरह होती है। इसकी अलग सुगंध की वजह से ही इसे जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार से गेहूं खरीद के क्वालिटी नियमों में छूट की मांग की गई है। दरअसल बीते दिनों ओलावृष्टि और बरसात की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के दौरान खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए पत्र लिखा है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से सिर्फ गेहूं को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि बागवानी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। खासकर ओलावृष्टि ने आम के बागों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20-25% तक आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे आम का प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि इस बार कीमतें आसमान छू सकती हैं। बीते बुधवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गांव मलिकपुरा में शॉर्ट सर्किट से 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फसल में आग लगने को लेकर किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं किसान व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बावजूद इसके पीड़ित किसानों को भारी नुकसान पहुँचा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।